नमस्कार बच्चों, आप वस्तुओं को ग्राम और किलोग्राम में भार ज्ञात करना जान चुके हैं। आप तराजू की सहायता से खीरे का भार ज्ञात कर सकते हैं, खीरे का वजन ज्ञात कर सकते हैं, किलोग्राम और ग्राम के बारे में आप समझ चुके हैं। परंतु हमारे पास कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम तराजू के अंदर नहीं रख सकते, जैसे कि पानी, तेल, शहद, दूध। तो बताओ बच्चों, इनको हम इनका वजन ज्ञात करें, कैसे इनको हम मापें। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वो आज की वीडियो में तरल पदार्थ, द्रव पदार्थों को मापना सीखेंगे। ऐसे पदार्थ जिनको हम इकट्ठा नहीं कर सकते, अगर हम इकट्ठा करें तो बह जाते हैं, बल्कि वो इस प्रकार के मापक यंत्रों में, इस प्रकार के यंत्रों के अंदर उनको हम डालते हैं, जैसे कि पानी, दूध, शहद, तेल आदि, उनके बारे में सीखेंगे। और द्रव पदार्थ के मानक मात्रक, अब उनको हम जग में भी माप सकते हैं, जैसे एक बाल्टी में कितने जग पानी आया, या एक बाल्टी में कितने गिलास पानी आया, या एक जग में कितने गिलास पानी आया, इस तरह से हम पानी को माप सकते हैं। तो पानी को मापने के लिए हम किस इकाई का प्रयोग करेंगे, इसके बारे में हम समझेंगे, लीटर और मिलीलीटर के बारे में जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें नंबर एक आता है हमारे पास ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ। जो हमारे पास वस्तुएं होती हैं, ज्यादातर वस्तुएं ठोस होती है, सॉलिड, जैसे कि किताब है आपकी, सॉलिड है, ये बहती नहीं। इसको हम तराजू में रख लें तो इसका हम भार ज्ञात कर सकते हैं। आप बता सकते हैं, सर ये किताब 100 ग्राम की है, 200 ग्राम की है, 500 ग्राम की है, क्या आप पानी का बता सकते हैं इसी प्रकार से? तो इस प्रकार की वस्तुएं, किताब जैसी वस्तुएं, चीनी जैसी वस्तुएं, या खीरे जैसी वस्तुएं, या गुड़ जैसी वस्तुएं, इनको हम ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। इनका हम वजन ज्ञात करते हैं ग्राम किलोग्राम में, ये तो आप जान चुके हैं। कुछ दूसरे पदार्थ होते हैं जैसे दूध, पानी, तेल, शहद, जिनको हम तोल नहीं सकते, तराजू के अंदर रख नहीं सकते, बल्कि इनको इस प्रकार के मापक यंत्रों की सहायता से मापते हैं। ये पैमाना है दूध मापने का। आप जानते हैं जब घर में दूध वाला आता है तो इसकी सहायता से दूध माप के, ऐसे दूध को माप माप के, आपको बाल्टी में दूध ऐसे माप के, ऐसे जग में, वो आपकी मम्मी के जग में ऐसे डाल देता है, ऐसे डाल देता है, डाल दिया ना मैंने जगी। तो इस प्रकार से हम आज इन प्रकार के पदार्थों को द्रव पदार्थ कहते हैं, जिनको हम बर्तन में इकट्ठा करते हैं। तो आपके पास दो चीजें आ गई, ठोस पदार्थ और द्रव पदार्थ। अब इन द्रव पदार्थों को क्या करते हैं, हम बर्तन की सहायता से, मापक की सहायता से माप सकते हैं। तो मापक, ये मापक है हमारा, देखिए मापक। तो इस मापक के अंदर जितना पदार्थ आता है, जितना द्रव पदार्थ आ सकता है, वो उसकी धारिता है, वो उसका आयतन है। इसके अंदर कितना आएगा, ये मापक बना रखे हैं हमने, निश्चित है ये मापक। इसके ऊपर देखो बच्चों लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा होता है, ये देखिए यहां लिख रखे है, इसके ऊपर लिख रखे है, यहां लिख रखे, देखो छोटा लिख रखे, ये रहा 1000 मिलीलीटर या 1 लीटर, ये देखिए छोटा बिल्कुल ब्रीक लिख रखे यहां पर, 1 लीटर दिखाई दे रहा आपको, एक ये लीटर, ये इसी रंग का है ना, आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए अगर हम ध्यान से देखें इसके ऊपर, तो ये 1 लीटर का पैमाना है आपका, ये इससे आधा है, इसको हम आधा लीटर भी कहते हैं। आधा लीटर यानी कि आधा हो गया ना, तो आधा लीटर बन गया। आधा लीटर कितना होता है,